नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एजी कॉलेज तिराहे में स्थापित हनुमान मंदिर को ढहा दिया गया, जिसका विरोध बढ़ता जा रहा है। घटना की जानकारी के बाद ही हिंदू धर्मावलंबियों के द्वारा कीर्तन भजन का पाठ शुरू किया गया है। रविवार को क्षेत्र के महिला पुरुषों ने पहुंचकर जहां कन्या भोजन कराया, वहीं हवन कराकर पुनः हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की मांग की है। आपको बता दें कि 2 दशक से दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना की गई थी, जिसे प्रशासन ने बिना सूचना दिए ही रात्रि में गिरा दिया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन जारी है और क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि पुनः आस्था के केंद्र हनुमान मंदिर की स्थापना की जाए। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं स्थानीय लोगों का क्या कहना है। परशुराम, हनुमान जी की जय। हम सब यही विनती करते हैं कि हमारे हनुमान जी अपनी जगह में पुनः आ जाएं। हमारा शांतिपूर्वक हम ये चाहते हैं, कोई हमारा किसी से क्लेश नहीं है। हम सब मात्र बहनें, हमारे सारी भाई मिलके हम यही चाहते हैं कि हमारे बजरंग बली अपनी जगह पे आ जाए। ऐसा क्या मैटर हुआ था कि आज आप लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं? पटना स्थापित कर यहाँ से हमारी बड़ी आस्था है, हमारे दिल को ठेस पहुँची है। हमारे बजरंग बली को यहाँ से उठा लिया गया और इनके द्वारा उठाया गया है। किसी का नाम लेना जरूरी नहीं समझते हैं, ना ही हमारा किसी से विरोध है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि बजरंग बली अपनी जगह में पुनः आए और हम लोगों की आस्था ना टूटे, श्रद्धा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, हनुमान जी की जय। नाम बता दीजिए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, विमला शुक्ला संभाग। आज आप लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं किस लिए इकट्ठित हुए? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से मंदिर गिराया गया था, हम लोगों ने पूर्व में भी शासन को चेताया था और मंडे को हम लोग हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। पूर्व में भी हमने लोगों ने कई मंदिरों के अतिक्रमण को लेकर के ज्ञापन दिए थे। प्रशासन किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, जितने भी मंदिरों के प्रशासक माननीय कलेक्टर महोदय हैं, उनमें आप जाएंगे तो 80% अतिक्रमण आपको दिखेगा। वो अतिक्रमण प्रशासन को नहीं दिखता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से 8 बजे मतलब तक पूरा मंदिर गिरा दिया गया, 5 बजे से कार्यवाही चल रही थी, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है कि मंदिर यहीं बनेगा, इसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि यहाँ पर जो यहाँ का मालिक है उससे भी बात हो गई है। और देखिए, यहाँ पे कोई संगठन नहीं है, सब यहाँ के मोहल्ले वाले हैं और रीवा के समस्त जो भी हिंदू भाई हैं, जिनकी आस्था हिंदुओं में है, वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों का बड़ा साधुवाद करता हूँ, निश्चित रूप से जिनके सहयोग से और आम जनमानस के सहयोग से, किसी एक संगठन बस नहीं कि हमारा भजन सेना, सभी हमारी जो विभिन्न संगठन से हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं। ये विगत दिनों जिस तरह से बर्बरतापूर्वक रात के आधी रात सोते हुए मंदिर को ढहाया गया था, उस समय मैं जितने भर हमारे मोहल्ले और रीवा के सभी हिंदू भाइयों ने जैसा आज जन आक्रोश दिखाया था रोड पे, इस कारण से शासन प्रशासन को हम लोगों ने भी ज्ञापन भी दिया था। तब हमारी बहनें थी, शासन प्रशासन में बोला गया था इसका शासकीय सीमांकन हो, इसके बाद जहाँ पे हनुमान जी थे वहाँ पर इनको स्थापित किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन आने वाले समय में होगा। और वो आपको दिखाई दे रहा है, पूजन हो रहा है और मंदिर बनेगा 15 दिवस के अंदर। शासन को समय हम लोगों ने दिया था, अगर 15 दिवस के अंदर नहीं बनेगा तो इसका परिणाम आने वाले समय में दिखाई। क्या वजह पड़ी थी कि मंदिर को डालना पड़ा? पहली बात तो दुर्भाग्य की बात है कि अगर शासकीय सीमांकन हो जाए, इनका जहाँ से पहले वारंटी थी, जहाँ से हम लोगों को पता लगा है। और अभी एक चीज़ और पता लगा है हमारे कल राष्ट्रीय संसद मंत्री जी द्वारा कि स्टे जो डिग्री थी, वो तो डिग्री में कहीं मंदिर का जिक्र ही नहीं है कि मंदिर को गिराया जाए। वहाँ ये था अतिक्रमण को गिराया जाए, मंदिर थोड़ी अतिक्रमण में था। मंदिर तो हमारे शासकीय में था, हमारे प्रमोद भैया भी जिन्होंने देखा था वो डिग्री को, हम सब लोगों ने अध्ययन किया था। और इसके बाद निश्चित रूप से अगर नहीं होगा तो सोमवार को हम लोग हाईकोर्ट में इसी पिटीशन दायर करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या कारण था कि आज आप लोग को यहाँ एकत्रित होना पड़ा। ये मंदिर जिस प्रकार ढहाया गया है, ये एक जो है सब लोग का आस्था केंद्र है। इसमें रीवा जिले में जिस प्रकार से यहाँ पर जो है दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर है, इस मंदिर को यहाँ पर जो काफ़ी लोगों की आस्था रही है,
आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन में सब माताएं बहनें जो पहले पूजा करने वट वृक्ष और हर प्रकार से यहाँ पूजा करने आती थी, आज वो सर्वोच्च जगह एकत्र हो रही है। यहाँ पर थोड़ा देर में हम लोग के बीच में जो है 500 साधु यहाँ पर पहुँच रहे हैं इस बात को लेकर। और ये जो ज्ञापन सौंपने माताएं जो गई थी उसको देखते हुए जो यहाँ का पीछे का जो भूभूम स्वामी जिसके कारण ये यहाँ पर ये काम हुआ अतिक्रमण बोलकर जिस पर मंदिर को गिराया गया सामने का चाहता था, अब उनकी स्वयं की स्वेच्छा है ये है कि ये जो है हम मंदिर बना के उनको दें, ऐसा उनके वकीलों के द्वारा हमारे संपर्क में लगातार बातें चल रही हैं। और ये जो किया उनको हो सकता है उनको भगवान परेशान कर रहा है, उनके परिवार में आपस में विवाद हो रहा है इस विषय को लेके, तो यहाँ पर ये सब लोग पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आज। और आज रविवार का दिन है तो ये जो है पूजा पाठ कर यहाँ पर जो है इस बात की खुशी मनाई जा रही है लोगों को कि यहाँ पर बनाए। और इसको क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे वकील भी जो है इसको लेकर हाईकोर्ट जाना चाहते हैं और हाईकोर्ट जाएंगे भी, क्योंकि यहाँ पर जो है दक्षिणमुखी जो हनुमान है मंदिर जो था जो गिराया वो यहीं पर बने। इसी बात के लिए हम सभी भक्तगण समस्त लोग यहाँ साधु महात्मा तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।